ਕੰਮ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨ ਦੀ
हजारों हजारों करोड़ जन्मों में भी पुण्य के इकट्ठे होने से संख्य से प्राणी मनुष्य जन्म को पाते हैं अर्थात पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करते हैं वैसे मनुष्य जन्म में और मनुष्य जन्म में भी अच्छे व्यवहार आदि में संस्कार जहाँ प्राप्त हो आसानी से उन घरों में जन्म लेते हैं। मोक्ष की सीढ़ी ऊपर दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो आत्मा को नहीं जानता उससे बढ़कर पापी कौन हो। जो मनुष्य इस उत्तम लड़ते हैं मनुष्य शरीर को और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा के हित को नहीं जानता बड़ा भ्रम था। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता इसलिए देह और कैसा शरीर और कैसे की रक्षा करनी है रक्षा करके उन्हें कर्मों की साधना करें धर्म का संचय करना है सदा आत्मा की रक्षा करना है। आत्मा ही सबका पात्र है अपनी रक्षा किए के लिए जतन करना है क्योंकि अगर जीवित रहेगा तो अनेक प्रकार के कल्याणों को देखेगा। ऐसा धर्म और शुभ और अशुभ कर्म ये बार बार बड़े ही आसानी से मिलते ही है परंतु ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलते बुद्धिमान से ही शरीर की रक्षा करें और रक्षा का उपाय करें क्योंकि जिनको गंभीर बीमारियां हो जाती है कौन आदि हो जाता है वो भी अपने शरीर को त्यागने की चेष्टा नहीं करते उनको भी अपना शरीर अति प्यारा है। रक्षा किए हुए शरीर से धर्म होता है धर्म से क्या होता है ज्ञान बढ़ता है ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान से ध्यान ज्ञान से जो को प्राप्त होकर शिखर ये मुक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को पूरे कामों से नहीं मिटा इससे बुरा हुआ कौन जो इस लोक में भी नरक रूप रोग की दवाई नहीं देता अपना इलाज नहीं करवाता रोगी जहाँ पर दवाई आदि की व्यवस्था नहीं है वो डॉक्टर आदि नहीं है वहां पर इस रोग की दवाई या इस रोग का इलाज कैसे करवा असंभव है। अर्थात इस पृथ्वी रोग में ही कर्तव्य परमात्मा का स्मरण सिमरण हो सकता है जिससे कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि व्याधि के समान बुढ़ापा फूटे गड़े के जल के समान आग बीती जाती है जैसे गड़ा में तो छेद हो तो जल अपने आप ही निकलता है ऐसे ही हम लोगों की आयु बीत जाती है। रोग दुश्मन की तरह प्रभाव करते हैं क्योंकि जब रोग हो जाता है तो कुछ सुध नहीं है जब अपने सुख नहीं तो धर्म कहां से जब तक दुख आश्रय ना करे जब तक विपत्तियां ना इंद्रियां व्याकुल ना हो जाए कल्याण के लिए उपाय करना है। जब तक ये शरीर सावधान है तब तक ही कर्तव्य का अभ्यास कर देना चाहिए क्योंकि घर के एक कोने में आग लग जाने पर तो मूर्त ही पानी आदि की व्यवस्था करता है। संसारिक अनेक कार्यों में फंसे होने के कारण समय नहीं जान पाता बड़े अफसोस की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा कार्यों में फंसे रहने के कारण समय को नहीं जान पाता। पैदा हुए लोगों को मुश्किलों में फंसे हुए मृतकों को आपत्ति में फंसे हुए को दुखी हुए लोगों को मोह रूपी मदिरा कर कभी नहीं जाते धन संपत्ति को स्वप्न के खुले जानना चाहिए कभी है कभी नहीं और जो फूल के समान आलू बिजली के समान जबर है इस बात को जानकर किसको धैर्य होगा पहले तो लंबी आयु का जीना अर्थात 100 वर्ष का जीना असंभव जितनी भी आयु है उसमें से आधा निकला कर आप में चला जाए उसमें से भी बाले अवस्था में बुढ़ापे में रोग और दुखों में चला जाता शेष आयु भी निष्फल बीत जाती है। मोक्ष आदि के उपाय का आरंभ से ही अध्योग बना जाता है। वह दैनिक रूप में संसार
విషయంలో అప్రహిస్తామంట. ఆ విద్య దే ఆది కృప్ సంగతి నిత్య సమర్థ హై కల్లక్కారీ కైసె కో ఈ అపనాశ ప్రయోజన సమర్థ హై దేవ మాయా సే మోహి బాబుషే దేవతా హువా భీ అర్థా అమల్ నహీ కర్తా. ఉస్ కాల్ రూపీ గహరే సముద్ర మే మృత్యు రోగ బుడాపా రూపీ గ్రహో సే పకడా హువా రోతే ఖాతా హువా యే జగత్ కిసీ కో భీ బోధ నహీ హోతా ఉస్కా ఆవాజ్ నహీ హోతా. एक एक सेकंड एक एक क्षण क्षीण हो रहा अर्थात बीते जा ये काल ये समय इस प्रकार दिखाई नहीं देता जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा दुलता निकलता दिखाई नहीं देता. भगवान कहते हैं कि गरुण बादलों का बांधना आकाश का खंडन करना समुद्र की लहरों को तरंगों को गुंथना गिनना संभव हो सकता है लेकिन अपने आयु के बारे में मनुष्य को मनुष्य रूपी बकरे को कार रूपी भेड़िया जबरदस्ती मार डालता है. भगवान कहते हैं कि कल होने वाले काम को आज ही कर ले और दोपहर पीछे करने वाले काम को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि मौत किए ना किए की प्रतीक्षा नहीं करती. इति गौरव पुराणे सारोद्वारे षष्ठोदशाध्याय समाप्ति. जो मूल ग्रंथ है वह 227 अध्याय का है 18,000 लगभग उसमें श्लोक हैं. इन श्लोकों के द्वारा जब कोई जीव इस दुनिया से चला जाता है तो उसके घरों में ये प्रेत कल्प से दिए गए 16 अध्याय हैं जो 16 अध्यायों का पाठ करवाया जाता है. सबसे अहम बात है जो जीव जो मनुष्य इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम जाता है तो गरुड़ जी से भगवान से पूछते हैं गरुड़ जी कि नारायण अगर कोई पापी मनुष्य हो उसने अनेक प्रकार के पाप किए हो तो क्या मरने के बाद भी उसी उसकी कोई मुक्ति का साधन है. तो भगवान अपने स्वर्गवासी पिता श्री विंदरपाल जी सूर्य जी की अस्थियां 10 दिन के भीतर कंठन में प्रसन्नित की. फिर उसके बाद 15वें दिन ये पिहोवा आदि गए वहां पर गति करवाई क्योंकि जो बिस्तर पर एक अच्छी जनता जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी गति पिहोवा में जाकर नारायण बलि करवाने बहुत ही विधि विधान से इन्होंने गुरु प्राण का पाठ सुना. परिवार में बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी लोग टाइम पर इनके गोत्र वाले भी जैसे सुमन जी हुए हनीसूद सनीसूद अतुल जी उनकी धर्मपत्नी वर्षा जी बॉबी भी आते थे बिंदरपाल जी की धर्मपत्नी रक्षा सूर जी बहुत ही धार्मिक छात्र थे और पति की सेवा में हर वक्त तत्पर है. मुनिषी की धर्मपत्नी अशुसूद जिन्होंने पिता के समान अपने ससुर की सेवा की ऐसे सब पुत्रों की इस समाज को अति आवश्यकता है. भगवान इनके परिवार की रक्षा करें और श्री बिंद्रपाल जी सूर्य की आत्मा को शांत. आगे श्री प्रभुपाद महाराज की Shri
ताली बजा के Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे सो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विजेंद्रपाल सूर जी की 13वीं पर और उनके सुपुत्र मनीष सूर जी इस्कॉन मंदिर में रेगुलर आते हैं संडे प्रोग्राम्स में, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे उनके लिए उनके फादर के लिए कीर्तन किया जाए। तो कीर्तन का एक सिंपल सा रूल होता है कि आप लोग पीछे बोलिए, अगर आप वाकई में उनके आए हैं शोक सभा में आए हैं विजेंद्र पाल जी की, तो उनके लिए प्लीज आप उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी आंदोलन की उपज है।
युवा अवस्था में उस समय के समाजवादी नेता चौधरी बलबीर सिंह की छत्र छाया में इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और 1978 में पहली बार चौधरी बलबीर सिंह जी के आशीर्वाद से हुशियारपुर नगर पालिका के सदस्य बने। श्री ब्रजिंदर पाल जी सूद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शांतमयी स्वभाव के व्यक्तित्व थे, सादगी सत्यता उनके आभूषण थे। आज के इस युग में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नम्रता की साक्षात प्रतिमा नजर आते हैं। ब्रजिंदर पाल जी सूद नम्रता, सादगी, सत्यता, शांति की चलती फिरती प्रतिमा थे। परमपिता परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत सी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि यहाँ से सांसद भी रही, श्रीमती संतोष चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय जी खन्ना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दीक्षण सूद जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री धर्मपाल जी सपरवाल, आम आदमी पार्टी से श्री परमजीत सिंह जी सचदेवा, डॉक्टर कुलदीप नंदा महासचिव पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अतिरिक्त नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री अजय मोहन जी बब्बी, पार्षद ब्रह्म शंकर जी जिम्पा, श्री मोहन लाल जी पहलवान, प्रदीप जी बिट्टू, श्री तैयारी लाल जी कतना, श्री गोपी चंद जी कपूर एवं अनेक अन्य पार्षद यहाँ पर आए हैं, पूर्व पार्षद उपस्थित हैं। उन सभी का मैं परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। जो शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें शामिल हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री, हुशियारपुर के विधानकार श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा, श्री शक्ति मंदिर प्रबंधक कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हुशियारपुर की तरफ से राकेश मरवाहा, हल्का श्याम चौरासी के विधानकार पवन कुमार जी आदिया, श्री रामचरित मानस प्रचार मंडल हरीश सैनी, ऋकेश बल्ला जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयंस क्लब लाइन क्लब हुशियारपुर अध्यक्ष रेखा जी शर्मा, श्री हिंदू कौर रक्षणी सभा श्री कपूर जी, इस कॉन फेस्टिव कमेटी जिन्होंने की यहाँ पर आपके सम्मुख कीर्तन किया, श्री सुप्रिया दास जी, धनवंतरी वैद्य मंडल श्री सुमन कुमार जी सूद, विज बरादरी राजेंद्र कुमार जी में, किशन कांत जी सूद सूद सभा, श्री लाल द्वारा मंदिर, श्री विश्वकर्मा शक्ति मंदिर एवं हथियारा धर्मशाला प्रबंधक कमेटी, श्री रामकृष्ण संकीर्तन मंडल, श्री सनातन धर्मवीर महावीर दर्श रजिस्टर मंदिर, श्री बाबा बालकनाथ जी, अखिल भारतीय कल्याण मंच, अग्रवाल सभा, शाहपुर म्यूनिसिपल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, श्री गोविंद गोधाम लोकशाला, श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर के शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी का परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया जाता है। शोक प्रस्ताव भेजने वालों में केंद्रीय मंत्री, यहाँ से सांसद श्री विजय सांपला जी, श्री हरि विकास सेवा समिति, श्री शिव कुमार जी सूद मेयर, श्री सुरेश भाटिया जी बिट्टू के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उनका भी मैं परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। एक बात ब्रजेंद्र पाल जी सूद के सूत्र से मैं कहना चाहता हूँ,
प्रिय मनीष जी, आप देख रहे हैं कि इस शोक सभा में शहर के प्रतिष्ठित सदस्य उपस्थित हुए हैं। ये दर्शाता है कि आपके पिताजी के साथ शहर निवासियों का, क्षेत्र निवासियों का कितना प्यार। आपको भी चाहिए कि अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए जन कल्याण के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो शहर में अवश्य ही है। इस संसार में आए, समय व्यतीत किया और चले गए। परमपिता परमात्मा ने हम सबको मोक्ष प्राप्त कर सके। मोक्ष इसलिए मिलता है यदि इस जीवन में हम अपने साथ चलने वाले व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। धर्म क्या है? मनुष्यता की सेवा, मानवता की सेवा। आपके पिताजी ने राजनीति के माध्यम से, आपके पिताजी ने केशव मंदिर के माध्यम से, आपके पिताजी ने सूत सभा के माध्यम से, आपके पिताजी ने समाजवादी आंदोलन के मार्फत लोगों की सेवा करके उनकी पीड़ा दुख दर्द को कम करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला वाहेगुरु की कृपा रहे और आप अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उसी प्रकार सक्रिय भूमिका अदा करते रहे जिस प्रकार की आपके पिताजी करते थे। यही आपके द्वारा अपने पिताजी को वास्तविक श्रद्धांजलि हो। कहते हैं, लाई गया आई गजा ले चली चले, लाई गया आई गजा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ना तो इस संसार में कोई अपनी खुशी से आता है ना अपनी खुशी से जाता है। ये परमपिता परमात्मा का एक व्यू रचना इस प्रकार की है। दूसरा मनीष जी, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी माता के चरणों में ही भगवान को देखें। इस संसार के अंदर जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो बच्चे वृद्धावस्था में अपनी माता को चिंतपूर्णी माता के रूप में देखते हैं, अपनी माता को वैष्णो देवी माता के रूप में देखते हैं, ऐसे बच्चों पर भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। ये भी आपका कर्तव्य है। अब रसम पगड़ी की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। परिवार के द्वारा कुछ धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान दिया गया है। उनके प्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि कृपया कार्यक्रम के पश्चात श्री श्याम नरूला जी, जो कि लॉयंस क्लब के साथ संबंधित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। श्री शक्ति मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, श्री रामकृष्ण मानस प्रचार मंडल, गौशाला आजमबाग रोड, गौशाला हरियाणा रोड, वैष्णो माता मंदिर मैया देवी नौकर डेरे, सूत सभा रजिस्टर्ड, बाबा बालिकनाथ मंदिर, हनुमान सेवा समिति, जैन सेवा संघ पश्चिम बिहार, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि ये दान की राशि श्री श्याम से इस कार्यक्रम के पश्चात अवश्य प्राप्त करें। अब पंडित जी शांति पाठ के साथ इस सभा को गुजर।
रही है कि है गड़बड़ी। इसके सोने मात्र से ही मनुष्य संसार में छूट सकता है। परम भ्रम कला ही जाने वाले सबके करता सबके स्वामी मन रहित स्वयं प्रकाश में आदि अंत से रहित आदि अंत से रहित निर्विकार गुण रहित सचिदानंद भगवान के अंश ये जीव संगत प्राणी है। और सुख दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बने हुए उन जातियों से युक्त हो शरीर में शरीर आदि आप कर्मों से पैदा हो भोग को प्रत्येक जन्म में पाते हैं। हे गुरु फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को धारण करते सतावर जो वृक्ष लता पर्वत पशु पक्षी धर्म करने वाले देवता के कर्म से मोक्ष के भागी होते हैं। वृक्ष आने के बाद कीट उसके बाद पक्षी और पशु इसके बाद धर्मात्मा मनुष्य होकर देवतम को पाकर मोक्ष को हो पाता है जो बार बार चार प्रकार के शरीरों को धारण करता और छोड़ता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर ज्ञानी होता है ज्ञानी होकर धर्म करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में शरीर धारण करने वाले शरीरों को ने मनुष्य शरीर के बिना देह के बिना तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हजारों हजारों करोड़ जन्मों में भी पुण्य के इकट्ठे होने से संख्य से प्राणी मनुष्य जन्म को पाते हैं अर्थात पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करते हैं वे मनुष्य जन्म में और मनुष्य योनि में भी अच्छे परिवार आदि में संस्कार जहाँ प्राप्त हो आसानी से उन घरों में जन्म लेते हैं। मोक्ष की सीढ़ी ऊपर दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो आत्मा को नहीं पाता उससे बढ़कर पापी कौन हो। जो मनुष्य इस उत्तम लड़ते हैं मनुष्य शरीर को और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा के हित को नहीं जानता बड़ा भ्रम था। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ पैदा हुए लोगों को मुश्किलों में फंसे हुए मृतकों को आपत्ति में फंसे हुए को दुखी हुए लोगों को मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं जानते। धन संपत्ति को स्वप्न के तुले जानना चाहिए कभी है कभी नहीं। और जो फूल के समान आलू बिजली के समान चला है इस बात को जानकर इसको धैर्य होगा पहले तो लंबी आयु का जीना अर्थात 100 वर्ष का जीना असंभव है। जितनी भी आयु है उसमें से आधा मिथुरा में आठ में चला जाए उसमें से भी 12 वर्ष का बुढ़ापे में रोग और दुखों में चला जाए शेष आयु भी निष्फल बीत जाए। मोक्ष आदि के उपाय का आरंभ से ही अध्योग बना है। Thank you.
चरणों में ही भगवान को देखें।